आपको भी मेरी तरह इतना ही यमी मसूर, खड़ी मसूर की सब्जी बनानी है? तो चलिए देर न करते, मैं आपको सिखाती हूँ कि इतना यमी मसूर की सब्जी कैसे बनाते हैं। तो मेरे चैनल में आपसे हार्दिक स्वागत है। देखिए, खड़े मसूर की आज मैं आपको सब्जी बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मसूर को फुला देते हैं। उसका थोड़ा सा तेल मैंने डाला है, इसमें जीरा डाला है और थोड़ी सी हींग डाली है। इसके बाद मैंने इसमें लहसुन मिर्च अदरक को अच्छे छोटे पीसेस में काट के डाला है। अब मैं प्याज डाल रही हूँ, आपको सब बारीक काट के डालना है, इसमें कुछ पीस के नहीं डालना है। मसाले पीसूंगी, बस ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही डालनी है। और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है, आप भी जरूर ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाता है, ये देखिए बने गई हमारे चैनल के, और एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं बिल्कुल आपको ये बिहारी स्टाइल बता रही हूँ। देखिए, अभी इसको हम थोड़ा और लाल फ्राई करेंगे, आप देख सकते हो। देखिए, इसको थोड़ा सा और रेड करना है, आप देख सकते हो। और इसको धीमी आँच पे, आप बहुत में मीडियम आँच पे इसको अच्छे से भूनिए। देखिए, अब ये अच्छे से लाल हो चुका है। अब मैंने दो टमाटर को ग्राइंड कर लिया है, मैं इसमें डाल दूँगी। टमाटर आपको ग्राइंड करके डालना है, ये देखिए। बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ हम नहीं करेंगे, हल्के मसालों से अभी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। स्वादानुसार नमक डाल देंगे जिससे टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। और मैं ये दो लोगों के लिए बना रही हूँ, आपके पास जितने लोगों को आपको बनाना है, जितने लोगों के लिए आप उस हिसाब से मसालों की क्वांटिटी रखिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला डालूंगी, एक चम्मच के बराबर। मैं इसमें हल्दी डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी। इसमें थोड़ा सा हम धनिया पाउडर डालेंगे, देखिए। अब देखिए, जो मैंने मसूर फुलाया था ना, इसको अच्छे से चुन लिया था, मतलब बीन लिया था। अब इसको इसमें मिला देंगे और इसको अच्छे से मसालों में हम चलाएंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से आप मसालों के साथ भूनिए। देखिए, अब इसको हम कुकर में डाल देंगे, क्योंकि मैंने पहले से इसको नहीं उबाला था। और एक सीटी लगाएंगे, इसमें देखिए हम पानी डाल देंगे, ये आप देख सकते हो, ये देखिए। और एक सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे, ये जल्द झटपट सब्जी बन जाएगी। और ये बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही हेल्दी भी होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सब्जी को, कम मसालों में भी ये तैयार की जाती है। देखिए, अब हम इसको एक सीटी आने तक पकाएंगे। मैंने सब्जी को कुकर से निकाल लिया है और ये हमारी सब्जी बन चुकी है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लगाइए। और देसी घी से तड़का लगाते हैं, इससे बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हो। देखिए, मैंने यहाँ कलछी चढ़ा दिया है और इसमें मैंने दो चम्मच घी डाला है और एक लाल मिर्च डाली है। इसको आप थोड़ा सा हल्का सा लाल होने दीजिए। इसका तड़का हम इसमें डालते हैं, ये देखिए, चढ़ा दीजिए और अच्छे से इसको अच्छे से चला दीजिए। इससे सब्जी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये देखिए, आप देख सकते हो। ये हमारा मसूर का सब्जी बनके तैयार हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं ऐसी वीडियो आपके सामने लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।